जो हम लोग जो बना रहे थे ड्राइंग देख रहे थे पीढ़ी का उससे आगे जो क्वेश्चन हम लोग का छुटा हुआ था उससे आगे हम लोग आज बनाएंगे तो ये हम लोगों का जो है हम लोग जो है देख रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइन चलाता हम लोग का रेखाओं के पीछे लाइन जो है विभिन्न पोजीशनों में कभी वह एक तल के परपेंडिकुलर है ना दूसरे तल के समांतर है कभी वह एक तल के समांतर है तो दूसरे के परपेंडिकुलर है कभी वह एक तल के समांतर है दूसरे तल से अवनत है तो कभी वह दोनों के परपेंडिकुलर हो रही है कभी वह दोनों के परपेंडिकुलर हो रही है एक तल से परपेंडिकुलर हो रहा है दूसरे से पैरेलल हो रही है एक तल के परपेंडिकुलर दूसरे से पैरेलल कभी दोनों के पैरेलल कभी दोनों से अवनत कभी दोनों से अवनत इस तरह का हो रहा है तो इसी संदर्भ में हम लोग देख रहे थे कि जो क्वेश्चन हम लोग का चल रहा था उसमें कुछ बाकी थे कुछ तो आज हम उसको देखते हैं चल रहा था कि 50 mm लंबी रेखा 50 mm लंबी रेखा 50 mm लंबी रेखा है जो लंबी रेखा एबी के निम्नलिखित स्थितियों में के निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में निम्नलिखित स्थितियों में प्रक्षेप की जो प्रक्षेप की जो प्रथम कोणीय प्रक्षेप का द्वितीय कोण के दोनों में चाहिए प्रथम कोणीय प्रक्षेप तथा प्रथम कोणीय एवं या तो प्रथम कोणीय और तृतीय कोणीय प्रथम कोणीय और तृतीय कोणीय प्रक्षेप कीजिए प्रथम कोणीय और तृतीय कोणीय प्रक्षेप कीजिए तृतीय दोनों में ही खींचना है
प्रथम कोणी पर छेद तथा तृतीय कोणी पर छेद दोनों में खींचिए। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि प्रथम में प्रथम कोणी और तृतीय कोणी दोनों स्थितियों में खींचना है। ठीक, ये तो हो गया। अब इससे तो यह हमको दिखा रहा है कि एक लाइन है जो जिसका नाम ए बी है और वह 50 एमएम लंबी रेखा है, 50 एमएम लंबी रेखा है। अब हम देखते हैं कि जो आगे क्वेश्चन था, रेखा एच बी से यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है, जो ये क्वेश्चन हमारा है 12वां है, कह रहा है रेखा एच पी से 45 कोण बनाती है, रेखा एच पी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, बनाती है या बनाती हुई, बनाती हुई बनाती हुई वीपी के समांतर है, वीपी के समांतर वीपी के समांतर है और वीपी से 25 एमएम की दूरी पर है और वीपी से और वीपी से और वीपी से और वीपी से 25 एमएम की दूरी पर है, 25 मिलीमीटर की दूरी पर है। ठीक, 25 मिलीमीटर की दूरी पर है। एक सिरा एचपी से, एक सिरा एक सिरा एचपी से 15 मिलीमीटर की दूरी पर है, एचपी से 15 मिलीमीटर की दूरी पर है, की दूरी पर है। ठीक, ये क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन है कि एक लाइन 50 एमएम की है, एक लाइन है जिसका नाम ए बी है, यह 50 मिलीमीटर की है। ठीक, और यह रेखा जो है एच पी से 45 मिलीमीटर 45 डिग्री का कोण बनाती है, यह रेखा एच पी से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई वीपी के समांतर है, यानी कि वर्टिकल प्लेन के समांतर है और एचपी से 45 डिग्री का कोण बना रही है, एचपी से 45 डिग्री का कोण बना रही है और वीपी के समांतर है। ठीक, और वीपी से 25 एमएम की दूरी पर है, वर्टिकल प्लेन से 25 मिलीमीटर की दूरी पर है। ठीक, और एक सिरा एचपी से 15 मिलीमीटर की दूरी पर है। ठीक, ये क्वेश्चन हो रहा है, हम लोग समझते हैं, हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हो रहा है। ये देखिए, रेखा एचपी से 45 डिग्री का कोण, ये एचपी हो गया, या एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, या वर्टिकल प्लेन वीपी, ये एचपी, ये एचपी हो गया एचपी, या वर्टिकल प्लेन वीपी हो गया, ये एचपी या वर्टिकल प्लेन वीपी। ठीक, एचपी से 45 डिग्री कोण था वीपी के समांतर। आप देखिए,
वीपी के समांतर, वीपी के समांतर या वर्टिकल में ना वीपी के समांतर, अब वीपी में है इस तरह से रख रहे हैं तो भी यह वर्टिकल प्लेन के समांतर है, इस तरह से रख रहे हैं इस तरह से है तो भी यह वर्टिकल प्लेन के समांतर है, इस तरह से रख रहे हैं तो भी वर्टिकल प्लेन के समांतर है। ठीक, वीपी के समांतर है, इसी तरह से यह जो है वीपी के समांतर है और एचपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए इसके समांतर होते हुए यह इस तरह से, इसके समांतर होते हुए, इसके समांतर होते हुए यह एचपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, एचपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब क्या कर रहा है वीपी, और वीपी से 25 एमएम की दूरी पे, और वीपी से 25 एमएम की दूरी पे यह वर्टिकल प्लेन से 25 एमएम की दूरी पे आ गए, इससे 25 एमएम की दूरी पर आ गए, यहां 25 एमएम की दूरी पर आ गए। अब 25 एमएम की दूरी पे इस कंडीशन में दूरी पे आने का मतलब है कि एचपी से इसका एक सिरा एचपी से 15 एमएम की दूरी पर है, इसका एक सिरा एचपी से 15 एमएम की दूरी पर है, तो अब 15 एमएम इस पोजीशन पर होते हुए 15 एमएम की दूरी पर ही ऐसे कर दे रहे हैं। अब जब हम ऐसे कर रहे हैं तो जब हम फ्रंट से देखेंगे, जब हम फ्रंट से देखेंगे, जब हम फ्रंट से देखेंगे तो क्या होगा, ये 15 एमएम के डिस्टेंस पे, जो 15 एमएम यहां है, 15 एमएम के डिस्टेंस पे हमें यहां पे इस तरह से 45 डिग्री पे एक लाइन एबी जो 50 एमएम की है बनती हुई दिखाई देगी। ठीक, लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे, लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे तो 25 एमएम के डिस्टेंस पे एक्स वाई लाइन से 25 एमएम डिस्टेंस पे और इसके ए और बी दोनों सिरों से, ए और बी दोनों सिरों से जब प्रोजेक्शन लाइन बुलाते हैं तो एचपी पे हम देखेंगे कि एक लाइन बन रही है, एचपी पर देखेंगे कि एक लाइन बन रही है, इसी को अब हमें ड्रॉ कर देना है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में हम इसे, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में इसे हमें ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ कर देना, इसी को हमें प्रथम कोणीय प्रक्षेप में ड्रा कर देना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एक्स एक्स और एक वाई, एक्स और एक वाई, एक्स वाई लाइन बन गई। एक्स वाई लाइन बनने के बाद से एक्स वाई लाइन बन गई, अब कह रहा है प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बनाना है तो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बनाएंगे, थोड़ा सा और आ गया है, प्रथम कोणीय में बनाएंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा वीपी ऊपर होता है, एचपी हमारा नीचे होता है, तो ऊपर हमारा वीपी में हमारा वर्टिकल, वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन में हमारा फ्रंट व्यू बनता है, जो सामने से देखते हैं, जो सामने से देखते हैं वो फ्रंट व्यू हमारा बनता है। तो अब क्या करेंगे हम, जो सामने से दिखेगा उसे हम बना देंगे। सामने से क्या दिख रहा है कि हमें 15 एमएम के डिस्टेंस पे, देखिए यहाँ से इस तरह से था और इससे 15 एमएम के डिस्टेंस पे ये था एचपी से 15, जो डिस्टेंस हमें मालूम है कि जो चीज एचपी से दिखाई देती है वह वीपी में जाकर के बनता है, जो दूरी एचपी से होती है वह वीपी में दिखाई देती है, जो दूरी वीपी से होती है वह एचपी में दिखाई देती है। तो एचपी से 15 एमएम के डिस्टेंस पे है तो 15 एमएम के डिस्टेंस पे हमें ये 45 डिग्री पे हमें एक लाइन बन रही है, एबी की लाइन बन रही है। तो अब हम उसे बना देते हैं, तो हम उसे बनाते हैं, देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं कितना, यहाँ से हम 15 एमएम के डिस्टेंस पे गए, 15 एमएम के डिस्टेंस पे गए, 15 एमएम डिस्टेंस के बाद से ये 50 एमएम की, ये 50 एमएम की हमारी लाइन गई है, कितने 45 डिग्री पे, कितने गई है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे ये बना है। अब ये यहां से प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, लाइन ठीक है, ये डायमेंशन हमारा कितना हो रहा है, ये हो रहा है 15 एमएम, ये हो रहा है हमारा
15 एमएम हो रहा है और लिपिड में है तो हमारा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश, ठीक, ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब पहला जो दूरी हमें एचपी में था वो वीपी में दिखा तो हमने बना दिया। अब जो दूरी वीपी में था, वीपी में हमारा कितना था कि वीपी के समांतर है और वीपी से 25 एमएम की दूरी पे वर्टिकल प्लेन से वीपी से 25 पे है तो वह एचपी में दिखेगा। तो एचपी में हम 25 एमएम के डिस्टेंस पे जाते हैं, 25 एमएम के डिस्टेंस पे गए और प्रोजेक्शन लाइन भी 25 एमएम पे जाएगी, 25 एमएम पे हमारी प्रोजेक्शन लाइन भी जाएगी तो ये डिस्टेंस जो मिलेगा ये लाइन जाएगी, ये जो लाइन होगी वह होगा ए और बी, यह होगा बी, यह हमारा होगा इलेवेशन, यह हमारा होगा इलेवेशन। या तो हम यहां लिख देंगे, अब यहां ए डैश, यहां पे हम डायमेंशनिंग कर देंगे ट्रू लेंथ, ए डैश बी डैश का डायमेंशनिंग कर देंगे। ए डैश बी डैश डायमेंशनिंग क्या है कि 50 एमएम डी एल यानी कि ट्रू लेंथ जो है कितना है 50 एमएम, ये कितना है 50 एमएम हो गया। यहां हम लिखते हैं कि इलेवेशन ई एल ई वी ए टी आई ओ एल, इलेवेशन हो गया और ये हो जाता है हमारा प्लान पी पी एल ए एन, ये हमारा हो गया प्लान, ये इलेवेशन ये प्लान। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हमारा हो गया इलेवेशन, इलेवेशन हो गया और ए और बी हमारा क्या हो गया, ए बी हमारा हो गया है प्लान, ये हमारा हो गया प्लान, ठीक। अब यहाँ से डायमेंशन ले लेंगे, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन निकाल करके एरो हेड निकाल देंगे, एरो हेड करके यहाँ हम ले लेंगे 25 एमएम, 25 एमएम, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि एक्स वाई लाइन से 25 एमएम के डिस्टेंस पे एचपी में हमारा प्लान बना हुआ है, एचपी में हमारा प्लान बन गया है, यानी कि इसे अनुविच्छेद, इसे हिंदी में हम अनुविच्छेद कहते हैं और इलेवेशन को हिंदी में उच्छेद उच्छेद कहेंगे। इसका इलेवेशन का एक और नाम है फ्रंट व्यू। तो हमने फ्रंट से देखा है, जो दिखा है, जो सिचुएशन हुआ है उसे हमने ड्रा कर दिया, ए डैश बी डैश, ठीक है, ये हो गया। अब फिर एक बार इसे देखिए कि किस तरह से ये क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये मान लिए यही लाइन है, एक इसका एक सिरा ए है दूसरा सिरा बी है, ठीक, एक सिरा ए है दूसरा सिरा बी है, या 50 एमएम की है या 50 एमएम की है, ठीक। एचपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है और वीपी के समांतर है, एचपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है और वीपी के समांतर है, तो वीपी के समांतर अगर कंडीशन रख रहे हैं तो वीपी के समांतर हो रही है और इस पे अगर हम मूव करा रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं तो भी जो वीपी के वर्टिकल प्लेन के समांतर हो रही है, किसी भी दिशा में घुमा रहा है क्योंकि इस पे इसकी पूरी लेंथ मिल रही है, इसकी पूरी ट्रू लेंथ इसकी हमको इस प्लेन में मिल रही है, इसलिए यह जो है इसके समांतर है, पूरी लेंथ इसको इस पर हमको मिल रही है, इसलिए इसके समांतर है, ये समांतर है। अब कह रहा है कि यह एचपी से 45 डिग्री बनाती है तो इसके समांतर होते हुए, इसके समांतर किसी भी दिशा में समांतर होते हुए यह एचपी से 45 डिग्री का कोण बना ले रही है, एचपी से इस तरह का 45 डिग्री का कोण भी बना ले रही है, 45 डिग्री का कोण भी बना ले रही है। अब कह रहा है कि यह वीपी से 25 एमएम की दूरी पे है तो वीपी से हमने 25 एमएम की डिस्टेंस पे आ गए, ठीक। अब कह रहा है कि एचपी से 15 एमएम की डिस्टेंस पे है, एचपी से हमने इसको 15 एमएम की डिस्टेंस पे ऊपर कर दिया, इससे 25 और इससे 15, वीपी से 25 और एचपी से 15, ये कंडीशन हो रही है 45 डिग्री पे। अब जब हम इसे फ्रंट से देख रहे हैं तो
15 एमएम के डिस्टेंस पे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस एसपी में दिखाई देती है वह जो डिस्टेंस जो है एसपी के लिए है वो वीपी में दिखाई देती है, जो वीपी के लिए है वह एसपी में दिखाई देती है, इसलिए एसपी से 15 एमएम है तो वह वीपी में जाकर के 15 एमएम के डिस्टेंस पे हमारा ये और एबी लाइन जो है 45 डिग्री पे इस तरह से बन जा रही है, इस तरह से बन जा रही है। लेकिन जो डिस्टेंस वीपी से था, वीपी से 25 एमएम के डिस्टेंस पे, वीपी के सामने 25 एमएम था, तो जब हम टॉप से देख रहे हैं तो वीपी से 25 एमएम के डिस्टेंस पे हमें एक लाइन प्राप्त हो रही है। अब इससे जो है इसके दोनों सिरों से ए और बी से प्रोजेक्शनल लाइनों को एसपी पर लाते हैं तो एक और दोनों लाइनों को मिला देते हैं, दोनों पॉइंटों को ए और बी पॉइंट मिलाते हैं तो एक लाइन बन जाती है जो हमारा ए और बी है, जो इन प्रोजेक्शन लाइनों को लाते हैं। जैसे प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, प्रोजेक्शन लाइन लेकर आए हैं, ए और बी का एक हमें प्लान प्राप्त हो रहा है, यह हमारा दिमाग प्लान है और ये हमारा इक्वेशन जो इससे सामने से दिखा तो ये सामने से बन गया कितने में 15 मिनट में। इस तरह से ये इससे दोनों प्रोजेक्शन लाइन आ रहे हैं तो यहाँ पे बन जा रहा है। देखिए ड्रो लाइन हमारा यहाँ प्राप्त हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी चीज को हम जानते हैं कि एंगल पे कोई चीज है, एंगल पे इसी प्रोजेक्शन लाइन हम बनाते हैं तो ये कम आपको मिलता है और इसके ऊपर ले जाते हैं तो कम मिलता है, लेकिन जैसे सीधा करते हैं तो कुछ ज्यादा जरूर पड़ जाता है और जैसे ये और सीधा कर देते हैं तो पूरी लेंथ हमको मिल जाती है। इसी तरह से ये इंक्लाइन होने की वजह से ये पूरी लेंथ नहीं हो रही है और इससे ये हमारी पूरी लेंथ मिलती है, ठीक है। ये तो हुआ प्रथम कोणिक प्रक्षेप का, यह है हमारा प्रथम कोणिक प्रक्षेप, यह है हमारा हुआ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रथम कोणिक प्रक्षेप, फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा हुआ प्रथम कोणिक प्रक्षेप, यह है प्रथम कोणीय प्रक्षेप, प्रथम कोणीय प्रक्षेप, यह प्रथम कोणीय प्रक्षेप है। अब हमें तृतीय कोणीय प्रक्षेप बनाना है तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप में क्या होता है कि हमारा इसमें हमारा प्रथम में हमारा वीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है, तृतीय में हमारा एचपी ऊपर होता है, तृतीय में हमारा एचपी ऊपर की तरफ होता है और यह वीपी नीचे की तरफ होता है, यह वीपी नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो हम तृतीय कोणीय प्रक्षेप में आगे बनाते हैं, तृतीय कोणीय प्रक्षेप को हम आगे बनाते हैं और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हम दिखाते हैं, ठीक है। यहां हो जाएगा तृतीय कोणीय प्रक्षेप, तृतीय कोणीय प्रक्षेप, तृतीय कोणीय प्रक्षेप, यहां तृतीय कोणीय प्रक्षेप हो गया, तृतीय कोणीय प्रक्षेप हो गया। तृतीय कोणीय प्रक्षेप क्या है हमारा, यहां पे एक्स और ये y, x y को क्या पहले दिया है x y, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, x और ये हमारा हो जा रहा है y, x y को क्या, अब क्या कहते हैं कि हमारा HP हमारा ऊपर हो जाता है और VP हमारा नीचे हो जाता है, VP हमारा नीचे हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं HP से हमारा कितना है, HP से जो है यहाँ से HP 25 एमएम की डिस्टेंस पे गिरा हुआ है, 25 एमएम की डिस्टेंस पे गिरा हुआ है, ठीक, और 25 एमएम की डिस्टेंस के बाद से वीपी में हम कितना है, वीपी में हम जो है 15 एमएम की डिस्टेंस पे आए हैं, यहां से ये 50 एमएम की डिस्टेंस पे, यहां से जो है ये प्रोजेक्शनल लाइन जा रही है, यहां से प्रोजेक्शनल लाइन जा रही है और इसको जब मिला रहे हैं
यहाँ से दूसरे लाइन है कि ये ठीक है एचपी या वीपी हो जाए ठीक है। अब इतना होने के बाद से क्या है कि वीपी यहाँ पर क्या लिखता है ए डैश बी डैश हो गया ठीक। इसको इसके ए डैश बी डैश इसका हम डायमेंशन कर देंगे तो डायमेंशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 50 एमएम 50 एमएम का ये ए डैश बी डैश और यहां से इसकी जो है डायमेंशन होगी यहां से ये 15 एमएम यहां से ये 15 एमएम और यहां से ये 20 एमएम 25 एमएम यहां से ये 25 एमएम सॉरी ये 25 एमएम ठीक। अब क्या करते हैं है ये नाम हो जाएगा ए और बी इसको कहते हैं इलेवेशन इसको कहेंगे इलेवेशन और इसे कहेंगे प्लांट इसे कहेंगे इलेवेशन ये हो गया इलेवेशन ये हो गया इलेवेशन और ये हो जाएगा हमारा प्लांट ये हमारा हो गया था ठीक। यानी कि ए डैश हमारा इलेवेशन और ए और ये हमारा प्लांट यानी कि जो जो ड्राइंग हमें यहाँ पे नीचे थी वो हमारे ऊपर है कि एचपी वाली ड्राइंग ऊपर चली जाती है और वीपी वाली ड्राइंग हमें नीचे चली जाती है। इस तरह से ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तृतीय कोण प्रक्षेपण में तृतीय कोण प्रक्षेपण हमारा यहाँ बना है और यहाँ पे हमारा प्रथम कोण प्रक्षेपण बन गया है। तो इस तरह से ये जो है हमारा प्रथम कोणी और तृतीय कोणी ये बना है। इतना हो गया यह जो है सबसे पहले जरूरी होता है कि वह किस सिचुएशन में है उसको समझें समझने के बाद से उसको सिचुएशन को समझने के बाद से इसे हमें जो है कैसे प्लेन के पैरेलल है उसे पैरेलल करते हैं किसके किससे इंक्लाइंड है और कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है उसे इंक्लाइंड करते हैं और फ्रंट से देखते हैं फ्रंट से देखने के बाद से जो ड्राइंग बनती है उसे हम लोग ड्रा कर देते हैं जो ड्राइंग करती है उसे हम लोग ड्रा कर देते हैं। ड्रा कर देने के बाद से अब हम ऊपर से टॉप से प्रोजेक्शन लाइनों को नीचे की तरफ लाते हैं देखते हैं तो एक लाइन से बन रही है जो ए और बी दोनों पॉइंटों को जब मिला देते हैं तो एक लाइन बन गई हो गया प्लान का यही है इसका इसे या तो हम एक इस तरह से दिखा देते हैं के माध्यम से और देखिए अगर ये HP हो गया और ये VP हो गया ठीक HP और VP हो गया VP के समांतर है VP के समांतर है समांतर इसमें किसी भी दिशा में घुमा रहे हैं तो इसके समांतर हो रही है इसके समांतर है VP के समांतर है VP से समांतर होते हुए तो रहा है HP से 45 डिग्री कोण बना रही है तो HP से 45 डिग्री कोण पे ये इस तरह से हो रही है HP से 45 डिग्री के कोण इस तरह से ये इस तरह से हो रही है 45 डिग्री का कोण इस तरह से 45 डिग्री का कोण ये बना रही है ठीक 45 डिग्री कोण बनाने के बनाती है। अब कह रहा है कि यह वीपी से 25 एमएम की दूरी पे वीपी से 25 एमएम के डिस्टेंस पे वैसे आ गए ठीक 25 एमएम डिस्टेंस पे आ गए। अब एचपी से कह रहा है कि 15 एमएम के डिस्टेंस पे एचपी से 15 एमएम के डिस्टेंस पे भी हो गए। अब जब फ्रंट से हम देखेंगे फ्रंट से जब हम देखेंगे तो ये पूरी फिगर 15 एमएम एक्स वाई लाइन से 15 एमएम के डिस्टेंस पे इस तरह से 45 डिग्री पे हमें ये लाइन बनी हुई दिखाई दे रही है ठीक। लेकिन जब हम टॉप से देख रहे हैं तो 25 एमएम के डिस्टेंस पे 25 एमएम के डिस्टेंस पे एक्स वाई लाइन से 25 एमएम की दूरी पे क्या कर रहे हैं ए और बी से दो प्रोजेक्शनल लाइन नीचे की तरफ जा रहे हैं और दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद हमें एक लाइन प्राप्त हो रही है ए और बी की वह हमारा प्लान हो रहा है वह एस वाई लाइन से 25 एमएम पे हो रहा है। अब हम जो है इसे हम जानते हैं कि एच पी जो हमारा मूव किया तो ये नीचे की तरफ आ गया नीचे की तरफ आने पर ये हमारा एक्स हो गया ये हमारा वाई हो गया और यहाँ पे
यहां पे हमारा जो है ये प्लान बन गया, ये यहां से एक्स वाई लाइन हो गई, यहां पे हमारा प्लान बन गया जो 25 एमएम डिस्टेंस पे, और यहां पे हमारा इस तरह से इंक्लाइन लाइन आई भी है जो 15 एमएम के दूरी पे है। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसके बाद से अगर ये आपके समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि नेक्स्ट वाला भी समझ में आ जाएगा। बस क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वीपी से था, एचपी से था, वो वीपी से हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं उस कंडीशन को, यह प्रथम कोण प्रक्षेप, इसी तरह से तृतीय कोण प्रक्षेप। रेखा एच पी से तेरहवा क्वेश्चन है कि रेखा वीपी से रेखा वीपी से 45 डिग्री कोण बनाती हुई का कोण बनाती हुई आईडी का कोण बनाती हुई एचपी के समांतर है, एचपी के समांतर है और वीपी से और एचपी से 25 एमएम की दूरी पर है, और एचपी से 25 एमएम की दूरी पर है, और एचपी से 25 एमएम की दूरी पर है, एक सीधा वीपी से 10 एमएम की दूरी पर है, एक सीधा वीपी से दस एमएम की दूरी पर है, 10 एमएम की दूरी पर है। ठीक, यह हो गया। सेम कंडीशन है, थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले एचपी से था, अब ये वीपी से हो गया है, वर्टिकल प्रेस से हो गया है, बाकी सब कुछ उसी तरह से है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फिर वही मानते हैं यह एक लाइन है जिसका एक सिरा ए, दूसरा सिरा बी। ठीक, और ये इसकी पूरी लंबाई, इसकी लेंथ जो है, यह जो है 50 एमएम की है। कितने की है? 50 एमएम की है। ठीक, अब कह रहा है कि रेखा एचपी से 45 डिग्री कोण बनाती हुई, रेखा वीपी से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एचपी के समांतर है। ठीक, अब देखिए
या एचपी हो गया या एचपी के समांतर हो गई, या एचपी के समांतर हो गई, क्योंकि यह एचपी है या वीपी है, या एचपी है या वीपी है, ठीक हो गया। अब हम जो है देखते हैं कि इसमें हम किसी भी दिशा में इसे घुमाएं, इसे मूव कराएं, तो इसकी पूरी लेंथ ट्रू लेंथ एचपी पे मिल रही है, तो यह एचपी के समांतर है, ठीक HP के समांतर है, और VP से वर्टिकल लेंस से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो VP से यह 45 डिग्री का कोण इस तरह से HP में होते हुए 45 डिग्री का कोण इस तरह से यह बनाएगी, इस तरह से 45 डिग्री का कोण यह बनाएगी, 45 डिग्री कोण बनाती है, इस तरह से इंक्लाइन हो जा रहा है, इस तरह से यह इंक्लाइन हो रहा है, देखिए इसमें इस तरह से यह इंक्लाइन हो रहा है, इस तरह से इंक्लाइन हो रहा है। एक सिरा वीपी से 10 है, एक सिरा वीपी से, इस वीपी से 10, इससे 25 और इससे 10, इससे 25 पे इस तरह से हो गया और इससे 10 एमएम पे इस तरह से, इससे 25 एचपी से 25 एचपी से 25 हो गया, एचपी से 25 इस तरह हो गया और वीपी से 15 इससे 15 इससे 25 इस तरह से हो रहा है। अब देखिए, अब जब हम फ्रंट से देखेंगे, अब फ्रंट से देखेंगे तो क्या होगा, इससे प्रोजेक्शन लाइन को लेकर के जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक लाइन बनेगा प्रथम कोण प्रक्षेप में, क्योंकि इससे एक लाइन है, एक लाइन बनेगा प्रथम कोण प्रक्षेप में, और लेकिन जब हम टॉप से देखेंगे तो ये क्या करेगा कि हमें नीचे जो 10 mm की डिस्टेंस वीपी से 10 mm की दूरी पे है, 10 mm की दूरी पे इस तरह से इंक्लाइन में एचपी पे एक लाइन 50 mm की ए और बी प्राप्त होगी, ठीक, तो उसे हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो दूरी वीपी से था वह एचपी में दिखाई दे रहा है, जो दूरी वीपी से था वह एचपी में दिखाई दे रहा है, जो वीपी से था वह एचपी में दिखाई दे रहा है, ठीक, यह होता है। देखिए यहाँ क्या था कि वीपी से 50 एचपी के समांतर है, एचपी से 25 एचपी से 25 याद मान लीजिए, एचपी से 25 यानी कि एचपी से कितना था 25 एमएम, वीपी से कितना था 10 एमएम, वीपी से था 10 एमएम। अब देखिए एचपी की दूरी वीपी में दिखाई देती है, एचपी की दूरी वीपी में और वीपी की दूरी इसमें दिखाई देती है एचपी में, एचपी की दूरी वीपी में और वीपी की दूरी एचपी में यह दिखाई देता है, यह हम बनाते हैं, यह हो गया, यहाँ यह एक एक्स हो गया और यह वाई हो गया, एक्स वाई हो गया, एक्स वाई होने के बाद से हम प्रथम कोणीय बना रहे हैं, तो प्रथम कोणीय में हमारा वीपी ऊपर होता है और एचपी हमारा नीचे होता है, ठीक, वीपी ऊपर एचपी नीचे हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि जो दूरी वीपी में था, वीपी में हमें क्या दिखाना है, वीपी में हमें दिखाना है, वीपी में हमें एचपी की दूरी को दिखाना है, वीपी में हमें एचपी की दूरी दिखाना है, एचपी कितना है, एचपी जो है 25 है, एचपी कितना है 25 है, तो हम 25 एमएम के डिस्टेंस पे जाएंगे, यहां से हम 25 एमएम के डिस्टेंस पे गए, 25 एमएम के डिस्टेंस पे गए और 25 एमएम के डिस्टेंस पे जा रहे हैं और क्या कर रहा है, इससे एचपी में क्या दिखाना है, एचपी में हमें वीपी की दूरी दिखाना है, तो वीपी में क्या है, एचपी से 25 हो गए और इसमें हमें दिखाना क्या है, एचपी 25 है तो हमें ये वीपी दिखाना, तो वीपी कितना है, ये हम गए 10 एमएम आ गए, 10 एमएम आ गए, 10 एमएम आने के बाद से
अब हमें 45 डिग्री इतना, क्योंकि हम जब सामने से देख रहे थे तो जो विमान जा रहा था, तो यहां से हम जो है ये 45 डिग्री पे, यहां से ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, अब 45 डिग्री पे यहां से हम इस लाइन को लेकर के जाएंगे, और ये लाइन जब मिलेगी, ये मिलेगी तो ये हमारा हो जाएगा A डैश, और ये हमारा हो जाएगा B डैश, ये हमारा हो जाएगा A डैश और B डैश, नहीं हाँ A डैश B डैश, और ये जो दूरी है हमारी ये हो जाएगी A और B, जो लेंथ हमको यहाँ मिलेगा जिसके यह समांतर TL, ये कितना है? True length length कितनी है? 50 है, तो 50 में यहाँ बन गया, ये हो गया, और ये हमारा हो गया प्लान, ये हमारा हो गया इलेवेशन, ये हमारा हो गया इलेवेशन, और ये हमारा हो गया प्लान, प्लान, ठीक? डायमेंशन क्या देंगे? ये यहाँ से हमारी दूरी थी 10 mm, और यहां से हमारी इसकी दूरी थी 25 mm, यहां से थी 25 mm, यहां से दूरी थी 25 mm, ये हमारा बन गया। अब A और B, A और B हमारा हो गया प्लान, और A डैश B डैश हो गया हमारा इलेवेशन, ये हो गया इलेवेशन, ठीक? कैसे हुआ फिर देखिए समझिए इसे कि कैसे बना है। बीटी से 45 डिग्री और एचपी के समांतर है, तो यह एचपी के हमने समांतर कर दिया, एचपी के समांतर कर दिया, और बीटी से 45 डिग्री बनाने के लिए हमें इस तरह से हमने इंक्लाइन कर दिया, इस तरह से लाइन को इंक्लाइन कर दिया। इंक्लाइन करने के बाद सारा एचपी से 25 एमएम की दूरी पे, तो HP से 25 यानी कि ये HP है, HP से 25 mm की दूरी पे इस तरह से इंक्लाइन करते हुए 25 mm के डिस्टेंस पे हम आ गए, 25 mm के डिस्टेंस पे आ गए। अब ताला आए एक सिरा, ये एक सिरा ये जो है, यह जो है VP से 10 mm, इस VP से 10 mm, इससे 25 और इससे 10, ये कंडीशन हो रही है। अब इस तरह से हो गया। अब जब सामने से देख रहे हैं और इससे प्रोजेक्शन लाइन को लेकर के जाएंगे, तो हमें 25 से एक्स्ट्रा लाइन से 25 एमएम के डिस्टेंस पे दो पॉइंट जा रहे हैं, दो पॉइंट जाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा एलिवेशन बन जाएगा। लेकिन जब हम इसे टॉप से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो इसका एक सिरा ए, एक सिरा ए 10 एमएम के डिस्टेंस पे हमें इस तरह से इंक्लाइन 45 डिग्री पे एक लाइन प्राप्त हो रही है, जो हमारा प्लान है, जो हमारा अनुविच्छेद है। इस तरह से जब हम देखें तो इस तरह से ये इंक्लाइंड लाइन दिखाई देगी, और 10 एमएम के डिस्टेंस पे एक्स वाई लाइन से 10 एमएम के डिस्टेंस जाने की हमें जो डिस्टेंस एचपी से था वो वीपी में दिखाई दिया, जो वीपी से था वो एचपी में दिखाई दिया, ठीक? एचपी से 25 था, इसे हमें वीपी में दिखाना था, तो वीपी में 25 हो गया, वीपी से 10 था, वीपी में 10 था, और इसे एचपी में दिखाना था, एचपी में हमने दिखा दिया, 25 दिखा दिया, ठीक? इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम ये हमारा प्रथम कोणीय प्रक्षेप था, ये हमारा प्रथम कोणीय प्रक्षेप था, ये था प्रथम कोणीय प्रक्षेप, प्रथम कोणीय प्रक्षेप था। अब हम इसे तृतीय कोणीय प्रक्षेप में दिखाते हैं, तो तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमारा क्या होता है, इसका सेम अपोजिट हो जाता है। देखिए ये हमारा हो जाएगा x, x और ये हमारा हो जाएगा y, ये हो गया हमारा y, x y हो गया। अब यहाँ VP ऊपर है तो ये HP ऊपर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा HP और यहाँ हो जाएगा VP,
बीपी हो गया, एचपी हो गया, ऊपर एचपी बीपी हो गया, ठीक। अब क्या करना है कि हमें एचपी में क्या दिख रहा है कि एक्स वाई लाइन से 10 एमएम की डिस्टेंस पे, तो एक्स वाई लाइन से 10 एमएम की डिस्टेंस पे ये है और यहां से हम जो है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे माई लाइन है और यहां से ये वीपी में हमारा 25 है तो यहां से 25 एमएम पे गए और ये प्रोजेक्शन लाइन आई, ये प्रोजेक्शन और ये हमारा मिल गया। ये हमारा हो गया ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश हो गया और ये हमारा हो गया ए और बी हो गया, ठीक। अब ए और बी को हम क्या करेंगे, ए और बी को हम करेंगे प्लान, क्योंकि एसपी बनने वाले लीडर को प्लान कहते हैं, यानी कि हम विचार कर रहे हैं और हमारा हो गया प्लान हो गया। इसी को हम जो है ट्रू लेंथ भी कहेंगे, इसी को हम ट्रू लेंथ भी कहेंगे, प्लान में आ रही है ना ये जगह प्लान हो गया। इसी को हम जो है यहाँ बना देंगे TL, ट्रू लेंथ कितना है 50 एमएम है, 50 एमएम हो गया और ये हमारा क्या रिलेशन, ये हमारा हो गया इलवेशन, ये हमारा हो गया इलवेशन, ठीक। अब ये भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश हमारा इलवेशन है, ए डैश बी डैश हमारा इलवेशन है और ए और बी हमारा प्लान, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सिर्फ कंडीशन को जानना, सिर्फ कंडीशन को जान ले तो हमारा बन जाएगा, सिर्फ कंडीशन को जान ले तो हमारा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए ये हमारा एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा वीपी वर्टिकल प्लेन, ये एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल वीपी वर्टिकल प्लेन ये। अब कह रहा है कि वीपी से 45 डिग्री कोण बनाती हुई एचपी के समांतर है, तो एचपी के समांतर हमने कर दिया, इसको हमने देखिए, इसको हमने एचपी के समांतर कर दिया, देखिए इसको हमने एचपी के समांतर हमने कर दिया, ठीक। एचपी के समांतर हो गया ये, ठीक। अब कह रहा है कि वीपी से 45 डिग्री कोण बनाती हुई, वीपी से 45 डिग्री कोण के लिए यह इस तरह से 45 डिग्री पे हो जा रही है, यह इस तरह से 45 डिग्री हो जा रही है, इस तरह से 45 डिग्री पे हो जा रही है, इस तरह से 45 डिग्री हो गई, ठीक। 45 डिग्री बस कह रहा है कि यह एचपी से 25 एमएम, एचपी से 25 एमएम, एचपी से 25, इससे 25 एमएम की डिस्टेंस पे हो गया, 25 एमएम की डिस्टेंस पे हो गया और इससे 10 एमएम की डिस्टेंस पे हो गया, ठीक। इससे 10 हो गया, इस तरह से इसका ये बन रहा है। अब जब सामने से देखेंगे और प्रोजेक्शन लाइन को लेकर के जाएंगे तो दो ए और बी की हमें एक लाइन प्राप्त होगी, जो दूरी हमारी वीपी से थी एचपी में दिखाई दी, एचपी से जो दूरी थी वो वीपी में दिखाई दी, तो इस तरह से हमें यह इंक्लाइन जो है 25 एमएम की दूरी पे, 25 एमएम की एचपी से था वो एचपी से था वो वीपी में आ गया, 25 एमएम की दूरी पे हमें बना एक लाइन दिखाई दिया। लेकिन जब हम टॉप से देख रहे हैं तो 15 एमएम की डिस्टेंस पे, 10 एमएम की डिस्टेंस पे हमारा, 10 एमएम हमारा ये लाइन प्राप्त हो रहा है जो 45 डिग्री पे है, तो वो हमें दिखा दीजिए एक्स वाई हो गया, इस तरह से ये एक्स ये वाई और बीच में इस तरह से 45 डिग्री पे ये हमारा बन गया। इसका एक सिरा जो इसका एक सिरा ये सिरा इससे एक्स वाई लाइन से 10 एमएम की डिस्टेंस पे है, 10 एमएम की डिस्टेंस पे है, वो हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बन गया, यानी कि इलेवेशन ऑफ प्लान बन गया। इसमें हमारा
प्लान और रिलेशन बन गया। प्रथम मौलिक प्रक्षेप में हमारा प्लान जो है नीचे होता है और एलिवेशन हमारा ऊपर होता है। तृतीय मौलिक प्रक्षेप में हमारा प्लान ऊपर होता है, एलिवेशन हमारा नीचे होता है। एचपी ऊपर होता है, वीपी नीचे होता है। प्रथम में हमारा वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है। इस तरह से हमारा ये हमारा मन करके तैयार हुआ। तो अगर इसे आप समझेंगे, इसे सोचेंगे, कल्पना करेंगे तो ये बन करके तैयार हो जाएगी। और इसे आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो ये आपको आ जाएगा, अच्छी तरह से आ जाएगा। क्योंकि ड्राइंग में जितना सोचते हैं, कल्पना जो होती है वह आपके सामने वही ड्राइंग बनाई जाती है। सोच समझने से जो ड्राइंग बनती है उसी को हम लोग ड्रा करते हैं, तो इस तरह से ये ड्राइंग हमारी बनकर तैयार हो गई। आज इसके बाद से नेक्स्ट हम आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट हम आगे पढ़ाएंगे।